फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के साथ लूट करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार। दो अवैध तमंचे व दो बाइक बरामद। यूपी के गोशाम्बी जिले की पुलिस ने 2 सितंबर को फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ हुई लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर लूट करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल व लूटे गए 10,000 रुपए भी बरामद किए हैं। बदमाश पूरा मुक्ति थाना क्षेत्र के अहमदपुर पावन के पास किसी अन्य जगह लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सभी मुखबिर की सूचना पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ लिखा पढ़ी करके जेल भेजा जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह के मुताबिक 2 सितंबर को फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ हुई लूट का खुलासा किया गया है। लूट करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ लिखा पढ़ी कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है। लूट करने का खुलासा किया गया है, इसमें कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं? 2 सितंबर को थानापुरा मुक्ति क्षेत्र में एक लूट हुई थी, जिसमें 41,500 रुपये लूटे गए थे और एक टैब लूटा गया था। आज उसका खुलासा हुआ है, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 25,500 रुपये उनके अकाउंट में थे, 10,000 रुपये उनसे बरामद हुए हैं, कुछ पैसे उन्होंने खर्च कर दिए थे। टैब के बारे में उन्होंने बताया था, हमने इसको एक बड़े तालाब में फेंक दिया, काफ़ी प्रयास किया गया, अभी तालाब में पानी अधिक है तो उसकी बरामदगी नहीं हो पाई है। जैसे ही पानी सूखता है तो उसकी बरामदगी कर ली जाएगी। कट्टा इन लोग के पास कहाँ से है, बताया जाए गिरवी रखे हुए? एक बता रहा था कि वो कट्टा जो है किसी अजय नाम के लड़के से गिरवी रखा हुआ, अजय नाम के लड़के ने उसके यहाँ गिरवी रख दिया था 3,000 रुपये में, और ये कट्टा और था, 2 कट्टा उन लोगों के पास था, उसकी बरामदगी कर ली गई है और जो जो कार्रवाई थी वो लगभग कम्प्लीट कर दी गई। टैब की बरामदगी से जाएगी, बैग बरामद हुआ लेकिन टैब नहीं हुआ बरामद हो पाया।